भाई साहब नमस्कार। JNI न्यूज परिवार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी JNI न्यूज लाइव टीम कोलकाता भ्रमण करने जा रही है। 20 मार्च 2022 से कोलकाता ठाकुर नगर मेला प्रांगण से लाइव महाकवरेज और कोलकाता विश्व प्रसिद्ध मायापुर इस्कॉन मंदिर से JNI न्यूज पर सीधा लाइव प्रसारित किया जाएगा। हाँ जी भाई साहब, घर बैठकर JNI न्यूज पर तीर्थ करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए और कोलकाता से तीर्थ का आनंद घर बैठे लीजिए। JNI न्यूज लाइव पर देखना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। मैं हूँ प्यारा, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। जनपद में इन दिनों स्नैक का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। चाहे इंडो नेपाल बॉर्डर का कस्बा रुपईडीहा हो या नानपारा हो, चाहे शहर का मोहल्ला सलारजंग व मंसूरगंज, सभी जगहों से खुलेआम स्नैक की बिक्री हो रही है, जिसमें पुलिस की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर जगह से पुलिस पैसों की वसूली करती है और इसमें ज्यादातर नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अभी कुछ महीनों पहले रुपईडीहा कस्बे के एक लड़के द्वारा एक स्नैक के कारोबारी की वीडियो वायरल की गई थी, जिसका नतीजा हुआ था कि एक हफ्ते बाद ही उस लड़के को पुलिस ने तस्करी के मामले में जेल भेज दिया था। इसी से मादक पदार्थों के तस्करों व पुलिस की मिलीभगत की पोल खुली थी। नमस्कार, मैं हूँ दिवाकर। अगर आप शहर की बात करें तो थाना दरगाह शरीफ इलाके के मोहल्ला मंसूरगंज में भी बड़े पैमाने पर स्मैक का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा। हालांकि आपको बता दें, कई बार इस मोहल्ले के बड़े बड़े स्मैक तस्करों को स्मैक व नकदी सहित जेल भी जाना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, इन दिनों शहर के पीपल तिराहा पर बड़े पैमाने पर स्मैकियों का जमावड़ा रहता है और ये स्मैकिये रात हो या दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसी कारण आज चोरी के मामले के बंटवारे को लेकर स्मैकियों के दो गुटों में भयंकर मारपीट हुई, जिसमें खूब लाठी डंडे चले, जिसको सड़क पर देखने वालों में दहशत फैल गई। आपको बता दें, लेकिन हमारी मित्र पुलिस सब देखकर अनजान बनी रही। अगर जल्द ही इन स्मैकियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो किसी दिन शहर में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट।